ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधा सुधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात कर रहे हैं 15 अप्रैल की श्रीवतान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें बैलेंस मेंटेन करना है अपनी लाइफ में। बहुत कुछ ज़्यादा ज़्यादा कर दिया, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया तो वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादा हेल्थ की तरफ फोकस किया और रिलेशनशिप्स को छोड़ दिया, वो भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की तरफ गए और रिलेशनशिप को छोड़ दिया या हेल्थ को छोड़ दिया, तो वो भी इम्बैलेंस ठीक नहीं होता है फिजिकल वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पे परमपिता परमात्मा उसी चीज़ के आधार पर कहते हैं कि स्व और सेवा, स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्म लाइफ में भी हम औरों की जब सेवा करते हैं तो कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं। तो परमात्मा उसका हमें कह रहे हैं कि बैलेंस रखो। तो आज के वरदान में शीर्षक में है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने। अब ये जब बैलेंस है तभी दुआएं मिलती हैं। और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जब खुद में एनर्जी होगी, बैलेंस होगा, तभी तो हम किसी को दुआएं दे पाएंगे। और जब दुआ दे पाएंगे या सेवा कर पाएंगे तभी तो दुआएं कमा पाएंगे। तो स्व और सेवा में बैलेंस। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्वानुति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है, ब्लेसिंग की प्राप्ति ही है बैलेंस। सो बैलेंस है तो ब्लेसिंग मिल रही है, और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो साथ में बैलेंस भी आएगा हमारे। लेकिन उसके पहले बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस किसमें? खुद की स्टेट। जैसे एक माँ ने अगर खाना नहीं खाया तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी वो। अगर आप फ्लाइट में कभी गए हैं तो आपने ऑब्जर्व भी किया है कि वहाँ पर कहा जाता है कि इमरजेंसी में पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाया जाए फिर दूसरों को लगाया जाए। तो इसलिए किसी की मदद करनी है तो पहले अपने आप को पहले सक्षम बनाया जाए। तो मेडिटेशन करके अपने मनोस्थिति को एकाग्र करा जाए, तब जाके अपने फैमिली को चला पाएंगे, मेंबर्स को सही दिशा दे पाएंगे। अगर खुद ही मन भटका हुआ हो, चिंताओं में हो, टेंशन में हो, परमात्मा से जुड़ा ना हो, परमात्मा के ज्ञान जो विजडम है उसको यूज़ ना करा रहा हो जिससे कि शक्ति आती है, तो औरों को कैसे गाइड करेंगे। तो इसलिए पहले खुद की सेवा फिर औरों की सेवा। तो बाबा कहते हैं बैलेंस वालों को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। माता पिता हो गए कौन? जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा, जिनके नाम पर ये ब्रह्मा कुमारीज खुला है। और परिवार की दुआओं, परिवार हो गया ब्रह्मा कुमारीज का सबसे बड़ा परिवार ब्राह्मणों का, से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है। जो दुआएं होती हैं उससे हमारी पालना होती है, हमारा पाप कम हो जाते हैं दुआएं बढ़ने से। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो। दुआएं लेने का तरीका बाबा ने बताया बैलेंस के द्वारा, स्व में और सेवा में। अगर स्व में बैलेंस नहीं है, अगर परमात्मा से हम प्रेम सुख शांति नहीं खींच रहे हैं और विजडम नहीं ले रहे हैं मुरली से, तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है और फिर गलत कर्म होने शुरू होते हैं। दुआ की जब बद्दुआ कमाना शुरू कर देते हैं मोरों से, तो फिर हम किसी से ब्लेसिंग भी नहीं कमा पाते हैं तब, और ना किसी को ब्लेसिंग दे पाएंगे क्योंकि मूड ऑफ हो जाएगा, इरिटेशन होगी क्योंकि लो एनर्जी लेवल में आ गए, परमात्मा से कनेक्शन तोड़ लिया अपना। तो जोड़े कैसे रहें, इसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें जाकर के सीखना पड़ेगा 7 डे के कोर्स में। बेसिक्स फिर एडवांस भी होता है, वो भी आप सीख सकते हैं। पहले बेसिक्स कर लीजिए। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो, तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये आपकी दुनियावी लाइफ में भी ये जरूरी है, सिर्फ सेवा के मार्ग पर नहीं। तो अगर देखा जाए, अगर आप जॉब कर रहे हैं वो भी आप एक सेवा कह सकते हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी आप सेवा के आधार पर इस ज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे ब्लेसिंग कमाने के लिए। तो आज के श्री वरदान, इसके साथ ओम शांति।